हेलो फ्रेंड्स, माय एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त मच्छिंदर भलारिया। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि हाथ में जो केतु की मछली का निशान बनता है, जो मछली बनती है केतु पर्वत के आसपास, उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं, क्या उसके गुड रिजल्ट होते हैं या बैड रिजल्ट होते हैं, क्या क्या लाइफ में मिलता है बंदे को और कैसे वो बनती है, तो प्रॉपर समझाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा दोस्तों। नंबर एक, अगर आपके हाथ में ये कॉम्बिनेशन है, मतलब केतु की मछली है, तो इट डज नॉट मीन कि आप अपनी लाइफ में वो अचीव करके ही रहोगे जो उसके रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी हाथ में वो परम्यूटेशन, वो कॉम्बिनेशन, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब आप कितना एफर्ट लगाते हो उस पर, कितनी मेहनत लगाते हो, वो डिपेंड करता है। मान लीजिए आप IAS बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हो, आपको ना एडमिशन लिया आपने, ना प्रिपरेशन करी, तो नहीं होगा। ऐसे बहुत लोगों के हाथ में बहुत अच्छी अच्छी रेखाएं होती हैं, बट रिजल्ट कुछ नहीं आता, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, उनकी डिटर्मिनेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केतु की मछली से। और उन लोगों को मैं बोल देना चाहता हूँ जो कि यार बोलते हैं कि हाथ वात में कुछ नहीं होता ये करके, भाई तो फिर आप चैनल पर आते क्यों, आप दूसरी जगह जाया करो, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आपका जो मोटिवेशन है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपकी डेडिकेशन जो है, आपके कर्म के बिना, उसके बिना पॉसिबल नहीं है ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हैंड से। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो केतु की मछली बनती है वो कैसे बनती है। तो अगर आप इस हाथ में देखोगे, ठीक है, तो इस हाथ में देखिए केतु की मछली बन रही है, बट उतनी अच्छी नहीं बन रही है। पहले मैं आपको ये बता लूं कि केतु की मछली बनती कैसे है। तो अगर देखिए केतु की मछली, ये केतु, माउंट ऑफ केतु है, कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की, और यहाँ से इसकी ना पूंछ होगी, इधर को ऐसे करके कटेगी, ये इस तरह की बनती है जो प्रॉपर मछली होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है माउंट ऑफ मून, ये है माउंट ऑफ वीनस, ठीक है, और ये है माउंट ऑफ केतु, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मछली बनती है तो इसको प्रॉपर मछली बोलते हैं, और इसकी ये प्रॉपर शेप होती है जो मैंने बनाई हुई है, ये इस तरह की होती है, इस तरह से कट, ये पूंछ जरूर होती है इसमें। अगर इस तरह की मछली है तो समझिए कि ये प्रॉपर केतु की मछली है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा बताता हूँ इसमें कि कई लोगों के हाथ में क्या होता है वो बता देता हूँ। कई लोगों के हाथ में जैसे ये देख सकते हैं आप, इस हाथ में यहाँ पे इसके लास्ट में ये ऐसे गई हुई है, ये रेखा ये जो गई हुई है, ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए इस बंदे के हाथ में ये यहाँ से आई ऐसे ऐसे चली गई, ठीक है, और यहाँ से गई ये ऐसे जा रही है ये, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर अगर ऐसी है तो प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर ये देखिए इस हाथ में अगर आप देख रहे हैं तो ये इधर से कट है हल्का सा, तो ये है, ये भी, इसको भी केतु की मछली बोला जाएगा, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपर केतु की मछली, इसको बोलेंगे प्रॉपर, हाँ, मतलब इस ये जो प्रॉपर वाली पहले वाली बताई थी मैंने, बट ये भी है, बट बहुत सूक्ष्म है। तो अब इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, देखिए होता क्या है कि केतु, जैसे कि मैंने बोला हुआ है, केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ चेंजेस, केतु जिंदगी में चेंजेस लाता है, तो आपकी इस बंदे की लाइफ में ज़रूर चेंज ज़रूर आएगा। इसी बंदे की हाथ को लेकर के मैंने पीछे बताई थी आपकी कि लाइफ लाइन पे जो कट होते हैं या लाइफ लाइन पे जो चेंजेस आते हैं, तो आज बात कर रहा हूँ सिर्फ केतु की मछली की। तो ये केतु की मछली इसके हाथ में बन रही है, बट आगे जा करके ये देखिए यहाँ पे ये लाइन इसकी कट भी हो रही है, तो इसके इम्पैक्ट कुछ दूर, बट ये स्टिल ये केतु की मछली है इस हाथ में। और इस बंदे की लाइफ में कम से कम नहीं तो कोई 50 साल की एज पे कोई चेंज आएगा, यहाँ से इसकी लाइफ चेंज होगी, हो सकता है ये बाहर चला जाए, हो सकता है इसका फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम बने। लेकिन ये केतु की मछली जो है फ्रेंड्स, ये बहुत स्ट्रगल करवाती है, ये स्ट्रगल करवाती है, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट देती है। बंदा विदेश चला जाता है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम बनता है, उसके न्यू बिजनेस प्लान बनते हैं इसके, मतलब अकस्मात धन लाभ देती है ये, हमेशा अकस्मात धन लाभ देगी। अकस्मात धन लाभ ये भी हो सकता है कि आपका जो आपने सोचा नहीं हो, आपका डेजिग्नेशन, आपका प्रमोशन उस लेवल का हो जाए कि आपका डेजिग्नेशन उस लेवल का हो जाए कि आपने कभी सोचा ना हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। जब ये मछली बनती है अचानक सडन, क्योंकि केतु इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन, अचानक चीज़ें करवाता है, बदलाव लाता है लाइफ में। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, इस मछली को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि केतु जो है वो प्लैनेट ही चेंजेस का प्लैनेट है। तो जब उसके केतु के
एरिया में जब ये वो बनता है, फिश बनती है, तो ये लाइफ में चेंज लाता है और ये पॉजिटिव चेंज लाता है, ये अच्छे चेंज लाता है, बंदे की ग्रोथ होती है, बंदा अपनी लाइफ में राइज करता है। लेकिन ये प्रॉपर बनना चाहिए। कई लोग जो हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, कई लोग ऐसा होता है, कई लोगों के हाथ में वो बोलते हैं नहीं मेरी भी केतु की मछली है लेकिन मेरा अब तक कुछ हुआ नहीं। तो ये देखिए कई लोगों के हाथ में, जैसे ये यहाँ पे ये बन रहा है ना, ऐसे 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 चला जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट ये यहाँ से कट नहीं आ पाता। देखिए इस हाथ में अगर आप ये जाओगे तो ये लाइन यहाँ से ऐसे कट है इसमें, मतलब ये पूंछ बन रही है इसकी। तो ये प्रॉपर केतु की मछली है। तो केतु की मछली बनने से आपको अचानक धन की प्राप्ति आती है, सडन आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, मतलब जो नॉर्मल लाइफ आप चल रहे थे उससे काफ़ी अप आता है, आपकी लाइफ में चेंजेस आता है। तो ये था मेरा वीडियो केतु की मछली को लेकर के। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट करें, तथा कुछ और आप हाथ में कुछ और रेखा देखना चाहते हो या कुछ और वो करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।